वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज से पहले भारतीय खेमे में कोरोना की एंट्री ने कप्तान रोहित और टीम मैनेजमेंट की चिंताएं बढ़ा दी हैं। श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ के एकाएक टीम से बाहर हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान रोहित के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द प्लेइंग 11 को लेकर रहने वाली है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर में सीरीज खेली जानी है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों के बैकअप के तौर पर दूसरे खिलाड़ियों को भी बीसीसीआई टीम में शामिल कर सकती है। फिलहाल इसमें मयंक अग्रवाल का नाम आधिकारिक तौर पर फाइनल हो चुका है। वहीं पर वेंकटेश अय्यर को भी टीम में शामिल किए जाने की खबर चल रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं 6 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले में कैसे दिख सकती है भारत की प्लेइंग 11 की तस्वीर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला 6 फरवरी को अहमदाबाद के खूबसूरत और आइकॉनिक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगी। हालांकि पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम में 4 खिलाड़ी समेत कुल 7 सदस्यों को कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद टीम की प्लानिंग को एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि इसमें श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ये दो नाम तो ऐसे थे जिनका पहला वनडे मैच खेलना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट को मजबूरन प्लेइंग 11 में काफी बदलाव करना पड़ सकता है। अब चूंकि शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाने के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं, वहीं पर उप कप्तान केएल राहुल पहले मुकाबले में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने सबसे पहले मयंक को ही रिप्लेसमेंट के में टीम में शामिल किया है। ऐसे में पहले मुकाबले में उनके खेलने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ खबरों के मुताबिक ओडीआई सीरीज में वेंकटेश अय्यर को भी भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर बाएं हाथ का ये विस्फोटक ऑलराउंडर टीम में शामिल होता है तो शायद रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में वेंकटेश अय्यर का भी एक विकल्प टीम के पास मौजूद रहेगा। वहीं 3 नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान और भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले कई सालों से विराट लिमिटेड ओवर्स में टीम की बल्लेबाजी को एक स्तंभ के रूप में बांधे रखने का काम बखूबी करते आए हैं, और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी कोहली अपने काम को जारी रखना चाहेंगे। इसके बाद नंबर 4 की जिम्मेदारी फिर से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कंधों पर होगी। बेशक बाएं हाथ के इस धुआंधार बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में खराब शॉट मारकर अपना विकेट गंवा दिया था, लेकिन इस नंबर पर उन्होंने कुछ शानदार पारियां भी खेली हैं, जिससे टीम मैनेजमेंट का भरोसा अभी भी उन पर कायम रह सकता है। अब क्योंकि श्रेयस अय्यर भी कोविड की चपेट में आ चुके हैं, ऐसे में सूर्य कुमार यादव का 5 नंबर पर खेलना लगभग पक्का हो चुका है। सूर्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बल्ले से इंटेंट दिखाया था, और वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्या मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद ऑलराउंडर में कप्तान रोहित शर्मा नंबर 6 पर दीपक हुड्डा और 7 पर वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल कर सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी बल्ले के साथ साथ अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भी 5वें गेंदबाज की भूमिका बखूबी अदा कर सकते हैं, और दोनों के अंदर लंबी हिटें लगाकर मैच को खत्म करने की काबिलियत भी मौजूद है। वहीं तेज गेंदबाजों में टीम में दीपक चहर और मोहम्मद सिराज को पहले मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने पिछले प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था, जहां दीपक ने ओडीआई में तो वहीं सिराज ने टेस्ट मैचों में शानदार गेंदबाजी करके सभी का दिल जीता था। ऐसे में इन दोनों ही गेंदबाजों से वेस्टइंडीज के खिलाफ भी वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा वेस्टइंडीज सीरीज में कुलचा की जोड़ी दोबारा वापस आ सकती है। पहले मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को एक साथ टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक समय पर ये जोड़ी भारत को कई मुकाबलों में जीत दिला चुकी है और इनके पास बीच के ओवर में विकेट लेने की काबिलियत मौजूद है, जो इस समय पर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। ऐसे में फैंस फिर से कुलदीप और यूजी चहल को एक साथ ब्लू जर्सी में खेलते हुए देखना चाहेंगे। दोस्तों, भारत की ये प्लेइंग 11 काफी ज्यादा बैलेंस्ड दिखती है, जहां बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी दोनों ही टीमों के पास गहराई और मजबूत दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा पहले ओडीआई में किन बदलावों के साथ मैदान में उतरने का फैसला करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए जगह? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।